Welcome to our 28 for 28 podcast series. 28 for 28 is a campaign dedicated to inspiring and empowering young individuals to act on climate change. Our mission is to amplify their voices and stories, showcasing them as role models who are driving innovation and making a positive impact. Through this platform, we aim to provide a space where their impactful work can be recognized and celebrated. Our goal is to provide 28 such stories in the run-up to COP28. Today, we have one such change maker with us, Krishna. Krishna, through his skills of acting and puppeteering, sensitizes the people in the city to take action for the preservation of groundwater. Through his one-to-group interactions, he has already reached more than 1,000 people in the city. His radio show and theater has garnered a reach of more than 5,000 people in these years. And on the ground, he and 20 other group members are regularly reaching out to community members and children for positive climate actions. Hi, Krishna. How are you? Welcome to the podcast. I'm fine, and thank you. We're very glad to have you here. So I wanted to understand a little more, Krishna. Hum baat kar rahe the abhi ki aap natak aur puppeteering ke through लोगों से ग्राउंड वाटर के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो मुझे बताइए, हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? आपको ये इस चीज पे काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और ये आपकी जर्नी कब शुरू हुई? साल 2015 से मैं सेव द चिल्ड्रन एनजीओ से जुड़ा और तब से एनवायरमेंट और आपदा और सेफ्टी इन्हीं सब चीजों पे वो लोग का मेनली फोकस रहता था और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनका काम होता था. तो फ्रॉम 2015 से इन सब चीजों में रुचि पहले से थी, लेकिन 2015 से टेक्निकली और ज्यादा उससे जुड़ गए और उन सब चीजों में काम करने लगे. और 2018 से मैंने एक्टिंग सीखना चालू किया, राजेंद्र नगर रंगशाला है, प्रेमचंद रंगशाला वहाँ पे. तो वो मैंने एक भैया लोग को सुझाव दिया जो सेव द चिल्ड्रन के थे कि क्या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं अपने काम को बताने के लिए या फिर ज्यादा लोगों तक रीच आउट करने के लिए. तो वो लोग बोले, तब से मैंने अपने घर के आसपास के ही बच्चों को मिला के एक टीम बनाया जो कि हम लोग अलग अलग स्लम में जाके नुक्कड़ नाटक करते थे, पपेट शो वगैरह करते थे और उससे मैसेज देते थे लोगों को कि कैसे पानी बचाना चाहिए, क्यों हरियाली जरूरी है, हमारा पानी का जो पटना का अभी लेवल धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, हम लोग गंगा के किनारे हैं फिर भी आने वाले 50-60 साल बाद हम लोग को पानी का किल्लत बहुत ज्यादा होने वाला. तो इन सब चीजों से लोगों को अवगत कराते थे और लोग इन सब चीजों को जानते थे. हाँ जी कृष्णा, ये तो बढ़िया बताया. और मैं खुद कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले नुक्कड़ नाटक करता था. हम दिल्ली मेट्रो के जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ और उनके आसपास काफ़ी सारे नुक्कड़ नाटक और जो फ्लैश मॉब डांस होता है वो करते थे. और मेरी एक्सपीरियंस तो खैर अलग थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस जब आप ये नुक्कड़ नाटक और यू नो पपेट शो करते थे, तो लोगों का क्या रिस्पांस होता था? क्या वो आपकी बात सुनते थे? क्या उनमें कोई परिवर्तन आता था? क्योंकि लोगों की माइंडसेट में चेंज लाना तो बहुत मुश्किल काम है. तो शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम आया. एक बोला जाता है ना कि अगर आप सोसाइटी में कोई चेंज लाने का शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में लोग आपको पागल कहेंगे, अलग अलग नाम देंगे. तो वो मेरे साथ भी हुआ. जब मैं एक्टिंग वगैरह शुरू किया तो नुक्कड़ नाटक मैं अपने घर के पास भी करता था, तो सब लोग आता था देखने, तो बोलता था पापा को, मम्मी को, हमको कि क्या कर रहा है आपका लड़का, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, घूम घूम के नाटक करता है. भोजपुरी हम लोग का मातृभाषा है तो आसपास के लोग भी भोजपुरी बोलते हैं, तो वो लोग बोलते थे नचनिया बजनिया बन रहा है, ऐसा ऐसा करके बहुत लोग बोलते थे कि क्या कर रहा है आपका लड़का. तो ये सुन के मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं करते थे शुरुआत में, लेकिन जब मेरा स्टेज शोज वगैरह होने लगा, स्टेज में हम मतलब परफॉर्म करने लगे प्लेज में, तो उस समय मम्मी को ले जाते थे साथ में और मम्मी को वो चीज़ बहुत अच्छा लगा कि उनका बेटा 500-1000 आदमी के सामने स्टेज पे चल रहा है
नाटक कर रहा है इतने इतने देर, इतना लंबा लंबा डायलॉग मिल रहा है, कभी कभी मेन लीड कर रहा है, तो वो फिर कन्विंस हुई और धीरे धीरे पापा को मनाई, तो पापा बोलना बंद किए। उसके बाद जब हम लोग और अच्छा करने लगे, जब लोगों को मैसेज समझ में आने लगा कि हाँ ये चीज कितना जरूरी है जो ये लड़का बोल रहा है, तो वो लोग भी सपोर्ट करने लगे और वो लोग भी सामने से पूछने लगे कि हाँ अगला नाटक कब करने वाले हो, कहाँ करने वाले हो कि हम लोग आएंगे देखने। तो ऐसा जर्नी रहा, शुरुआत में लोगों का साथ नहीं मिला लेकिन अब भरपूर मिला। और आपका ऐसे कोई टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि जैसे आपने कहा कि आप स्टेज पे इतने सारे लोगों के साथ थे, तो आपके मम्मी पापा को आप पे काफी गर्व था, तो उसके अलावा ऐसा कोई आपका टर्निंग पॉइंट था जहां आपको पता चला कि हाँ भाई, अब लोग मुझ पे हंसना लगना छोड़ दिया और अब वो मेरी बात को सीरियसली लेने लगे हैं? और सिमिलरली जब आपने भी काम शुरू किया था, आपका ऐसे कोई मोमेंट था कि आपको पता चला हाँ भाई, पानी की इतनी कमी पड़ रही है, दिक्कत हो रही है आसपास, ऐसे कोई दो मोमेंट थे आपके, या आपको लगता है ये काफी सालों के ऊपर, अब 2015 से हम देखें तो ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं, तो आपको ये लगता है कि ये ग्रेजुअल चेंज था? सर दो जो मोमेंट बोले उसमें से एक जो है कि पानी का नीड मुझे कब पता चला कि हाँ भाई पानी का समस्या हम लोग को हो रहा है या फिर ऐसा, वो तब मुझे पता चला। मैं ट्रेवल कर रहा था, साल 2015 से पहले की ये बात है, और मैं ट्रेवल कर रहा था उस समय पानी का बॉटल में भी, मतलब उससे पहले तो हम लोग घर से लेके जाते थे, कहीं भी जाना होता था तो, लेकिन उस समय नहीं ले गए थे। तो उस समय जब बहुत पहले की बात है, जब मैंने पापा को खरीदते देखा पानी का बोतल, तब मुझे समझ में आया कि हम लोग गंगा के किनारे हैं, हमारा देश जो है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और तब हमें एक बोतल पानी खरीद के पीना पड़ रहा है वो भी 20 रुपए में। तब वो चीज समझ में आया कि आगे चल के ये क्या मंजर होने वाला है, अभी 20 रुपए में मिल रहा है तो आगे चल के और पानी का जब समस्या होगा तब कितने में मिलेगा, लोग कैसे खरीदेंगे जो मिडिल क्लास लोअर क्लास के हैं, वो लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं अपने लाइफ में। तब वो चीज हमको खटका और उस वक्त से मैंने पानी को खासकर बचाना शुरू किया। नमामि गंगे जो प्रोग्राम होता था उसके लिए मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मेरा 18 ईयर्स के पिछले साल कंप्लीट हुआ 2022 में, तो उससे पहले वो लोग नहीं ले जाते थे साथ में, फिर भी नमामि गंगे जब प्रोग्राम चलता था तो हम जब पता चलता था, क्योंकि पता तो कहीं ना कहीं से चल जाता था कि हाँ प्रोग्राम शुरू होने वाला है, टीम जाएगी गंगा जी के पास साफ सफाई करने, तो हम साइड से अपने दोस्त लोग को पकड़ के जो मेरी तरह माइंडसेट रखते थे या फिर जिनको मैं कन्विंस कर पाया था उन लोग के साथ मैं भी चला जाता था, उन लोग के साथ मिलके काम कर लेता था, तो ये चीज थोड़ा सुकून मिलता था। और सेकंड जो आपने बोला कि जो टर्निंग पॉइंट मुझे जब लगा कि लोग मेरा बात सुनने लगे, रिसेंटली तो पिछले साल एक जो SNA होता है संगीत नाटक अकादमी, तो वो नेशनल लेवल पे होता है, तो उसमें एक उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हम लोग के साथी हैं, सीनियर हैं हमसे, उनको मिला था एक्टिंग के लिए ही, लड़की हैं तो उनको मिला था। तो होता है कि अगर आपको अवार्ड मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह का अवार्ड, तो आपको SNA प्रोग्राम में जाके अपना एक नाटक दिखाना होगा, अगर आप नाटक से मिला है तब, जिसको गाना से मिलता है वो गाना दिखाते हैं, तो उनको मिला तो उनके ग्रुप में मैं भी शामिल हुआ, क्योंकि उनके उस नाटक में जिस नाटक को वहाँ करना था उसमें मैं भी था पहले से एज अ कास्ट, तो उससे पहले पटना में करते थे लेकिन उस समय मौका मिला और फ्लाइट से हम लोग को ले जाया गया यहाँ से केरला, केरला हम लोग नाटक करने गए। ये चीज मम्मी पापा को जब हम आके शुरू में बताए कि हाँ केरला जाना है नाटक करने, तो वो लोग पूछा कैसे जाओगे, तो हम बताए सारा रूट कि यहाँ से बेंगलोर, बेंगलोर से कोची, फिर कोची से वापस कोलकाता, कोलकाता से पटना, मतलब चार फ्लाइट चेंज कर करके जाना है आना है। तो वो चीज उन लोग को बहुत अच्छा लगा कि चलो इतना तो काबिल हुआ मेरा लड़का कि इतना, मतलब लोग क्यों इस पे इतना खर्च करके इसको ले जा रहा है, कुछ तो इसमें बात है। तो वो चीज हमको लगता है कि टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वो चीज मेरी मम्मी पूरे घर के आसपास लोगों को बताए कि मेरा बेटा जा रहा है फ्लाइट से नाटक करने, एक्टिंग करने, तो
तब से लोग भी समझने लगे मेरे काम को और सराहने लगे कि नहीं तुम अच्छा करते हो, एक्टिंग अच्छा कर रहे हो, आगे अच्छा करोगे। तो वो मैं अपना टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। बढ़िया, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। और देखा जाए तो मुझे खुद इससे इतनी प्रेरणा मिलती है क्योंकि आजकल जब दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, कोई लोग बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज असली नहीं है, कोई लोग बोलते हैं कि ये हमारी दिक्कत नहीं है, ये इस पे हमें काम करना जरूरी नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कोई लोग संगीत, कोई लोग नृत्य, और आपके केस में ड्रामा के माध्यम से आप इतने सारे लोगों को अपना मैसेज और ये एक एक तरह से प्रेरणा दे रहे हैं कि हम सबको मिलके इस काम दिक्कत पे काम करना है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और मुझे एक चीज बताइए, जब आप ये काम करते हैं, जैसे मुझे याद है जब मैं नुक्कड़ नाटक करता था, लोग हमें ऐसे अजीब अजीब से सवाल पूछते थे कि अरे भाई एक पटाखा फोड़ लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, या एक एक बत्ती ऑन छोड़ दी तो क्या हुआ, और फिर जो थोड़े और भी पढ़े लिखे थे वो बोलते थे ये बिजली वाली गाड़ी में यूज करने का फायदा क्या है, उसकी भी तो बिजली कोयले से ही तो जल के आ रही है, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे। और आजकल हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में चाहे गंगा ही हो, गंगा ने कहीं कहीं जगहों में बाढ़ लाई है और कहीं कहीं जगहों में सूख गया है पूरा रिवर। तो जब हम ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं बाढ़ आ रही है और कभी कभी कोई कोई सालों में नदी सूख रही है, तो आप लोगों को कन्विंस कैसे कर पा रहे हैं, उन्हें समझा कैसे पा रहे हैं कि ये असलियत में दिक्कत है जिसपे हम सबको काम करना है? क्या कोई आपका हाँ, एक एग्जाम्पल है या ऐसा कोई इंस्पिरेशन या कोई रोल मॉडल है जिसकी आप एग्जाम्पल दे के लोगों से बात करते हैं इसके बारे में? तो लोगों को समझाने के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट जो एग्जांपल था वो मौसम ही होता था। और उन लोगों को अपने भाषा में बस वही समझाते थे कि क्या आज से 5 साल पहले जैसे एकदम एक चेन बना हुआ था कि हाँ, इस महीने से इस महीने तक ठंडी रहेगी, इस महीने से इस महीने तक बरसात होगा, इस महीने से इस महीने तक गर्मी पड़ेगी। तो क्या अभी वो चेन चल रहा है वैसा ही जैसा आज से 5 साल पहले था? लोग खुद जवाब देते हैं कि नहीं, अब तो अगस्त में भी सितंबर तक मतलब धूप रह जा रहा है, मतलब गर्मी पड़ रहा है 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस, जब बारिश होना चाहिए था बारिश हो ही नहीं रहा है। तो लोग खुद समझते थे इन बातों को और समझाते थे हम कि क्या पहले जैसा बारिश अभी हो रहा है? बारिश नहीं हो रहा है तो किसान कैसे खेती करेंगे, कैसे अनाज आएगा, कैसे हम लोग को मिलेगा? तो इन सब चीजों के माध्यम से मैं लोगों को समझाता हूँ। सही बात है, बढ़िया। और अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अब समय जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपको, जैसे आप इतने सारे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, वो कौन एक या दो चाहे कवि हो, नेताएं हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, आपको किससे प्रेरणा मिलती है? अगर एक्टिंग कर ले तो सबसे बड़े हमारे मतलब मेरे लिए जो प्रेरणा है वो बिहार के जो 2-3 एक्टर जाके आज बॉलीवुड पे राज कर रहे हैं, जिनके बिना हम कोई फिल्म सोच नहीं सकते हैं कि उनका एक कैरेक्टर ना हो किसी भी रोल में। जैसे पंकज त्रिपाठी जी हो गए, मनोज वाजपेयी जी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनके मतलब एक होता है बोला जाता है जो कि गॉड फादर कोई नहीं था, तो वो लोग जाके आज इंडस्ट्री को ऐसा बना दिए कि उनके बिना आप कोई फिल्म सोच नहीं सकते हैं। तो वो लोग मेरे इंस्पिरेशन हैं। और सोशल वर्क को लेके इंस्पिरेशन जो सेव द चिल्ड्रन के भैया लोग हमारे साथ काम करते थे वो लोग को मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। और मैं मेरा मानना यही है कि आज मेरे में जो भी चेंज आया है जेंडर इक्वालिटी को लेके या फिर एनवायरमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, जो भी समझदारी मेरे में आया है मैं सारा श्रेय उन्हीं को देता हूँ। क्योंकि वो लोग एक ऑफिस के वर्कर बन के हमसे नहीं मिलते थे, हमारे बड़े भाई और हमारे बड़ी बहन की तरह हमसे मिलके बात करते थे। तो इसलिए मैं उन लोगों को अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। बहुत ही बढ़िया, आई एम श्योर उन्हें ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और दो और
सवाल जो मैं आपसे करूंगा, अगर आपको, जैसा कि आप जानते हैं अभी बिल्कुल 1 महीने के अंदर अंदर, एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर COP28 जो क्लाइमेट चेंज का बड़ा कॉन्फ्रेंस है वो शुरू होने वाला है, हमारे नेबरिंग कंट्री दुबई में, यूएई में ही होने वाला है, तो वहाँ पे आप जैसा कि जानते होंगे वहाँ पे सारे दुनिया के बड़े बड़े लीडर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब इकट्ठे होंगे, या आशा तो यही है कि वो इकट्ठे होंगे वहाँ पे। तो उनसे अगर आपको एक उन्हें अगर आपको एक मैसेज देना होता तो आपका मैसेज उनके लिए क्या होता? मेरा मैसेज तो यही होता सर कि सबसे पहले अगर सरकार को बोला जाए तो उन लोगों को समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किन चीजों से हो रहा है और उसको कैसे कम करें, उसका उनको रास्ता निकालना चाहिए। जैसे कि अगर हम गाड़ी को ले लें, जो व्हीकल्स जो रोड पे दौड़ रहा है, तो अभी भी पेट्रोल और डीजल का गाड़ी निकल ही रहा है, डेली खरीद रहे हैं लोग, तो उन सब चीजों पे या तो कम करिए नहीं तो एकदम बंद करिए उनको, क्योंकि वो रोड पे चलेंगे तो पॉल्यूशन फैलेगा ही। अभी जो इलेक्ट्रिक वाला बाइक या फिर गाड़ी चला है, आप उनको ज्यादा आगे बढ़ाइए और लोगों को समझाइए कि क्यों लेना जरूरत है। दूसरा चीज कि इन्वायरमेंट क्यों जरूरत है सबके लाइफ में और बैलेंस क्यों रहना चाहिए इन्वायरमेंट, उस चीज को आप बताइए लोगों को, प्रचार करिए। जैसे आप अपना चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, वैसे उन सब चीजों का प्रचार करिए, उन सब चीजों का जानकारी उन तक पहुंचाइए, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि हाँ इस रास्ते से हम जाएंगे तो आगे खतरा है, तब तक हम उस रास्ते पे जाना छोड़ेंगे नहीं। अगर आप सरकार अगर एक गाइडेंस आके हमको करे कि हाँ भाई इस रास्ते पे आप जाइएगा, तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आपके आने वाले जेनरेशन को इतना प्रॉब्लम हो सकता है, तो तब हम शायद उस पे जाना छोड़े। तो और ये था मेरा उनके लिए सुझाव कि आप कैसे इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बढ़िया, आई कुडंट अग्री मोर, क्योंकि मैं भी इसी पे, पोल्यूशन पे ही सबसे ज्यादा काम करता हूँ, तो बिल्कुल आपसे सहमति में हूँ। और अगर यही सवाल मैं आपको नौजवानों के बारे में पूछूं, जैसे कि आप बता रहे थे कि सेव द चिल्ड्रन और दूसरी संस्थाओं के लोग आपसे आके बात करते थे और उन्हीं से आपको प्रेरणा मिली, तो अब अगर आप किसी और नौजवानों को प्रेरणा देना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? अगले मतलब जो मेरे साथी हैं उनके लिए सबसे मेन तो यही है मेरा जो सुझाव कि सबसे पहला चीज कि आप शिक्षित बनिए। शिक्षित बनिएगा, आपको सारा प्रॉब्लम जो सोसाइटी का है वो आपको कहीं से जानना नहीं पड़ेगा, कहीं से आपको वो जानकारी मांगना नहीं पड़ेगा। आप शिक्षित बनिएगा तो आपका एक होता है ना कि मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी में और एक कम पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ बोल ले, तो इन दोनों का माइंड सेट, देखने का नजरिया, कैसे वो सोसाइटी को देख रहे हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको हर एक छोटा प्रॉब्लम जो उस व्यक्ति को छोटा लग रहा है वो आपको बहुत बड़ा लगेगा। तो शिक्षित बनिए और अपने सोसाइटी के लिए सोचिए, अपने लिए सोचिए अच्छा है, अपने परिवार के लिए भी सोचिए अच्छा है, लेकिन उसी में समय निकाल के अपने सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए सब सोचिए समझिए और कैसे उसको बचाया जा सकता है, उसमें आपका क्या योगदान होगा या फिर हो सकता है, उस पे ध्यान दीजिए। और आज हम सोसाइटी के लिए करेंगे तभी आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहेगी, चाहे हम हो चाहे आप हो, तो हमें सोसाइटी के लिए करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। थैंक यू, आपने बिल्कुल सच बात बोली। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा काम है। मैं आशा रखता हूँ कि आपका काम बढ़े और लोग इस काम के बारे में जानें और इससे प्रेरणा लें। और मैं आशा करता हूँ कि आपके काम से कोई बदलाव भी आ पाए, ना सिर्फ पटना में लेकिन धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया और फिर पूरे इंडिया में। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट लक फॉर योर प्रोजेक्ट, एंड आई होप कि आप ऐसे ही काम करते रहें। थैंक
थैंक यू सर।